जिसकी माँ बाप दादी नानी गवर्नमेंट रिकॉर्डेड है, ये नहीं अपने घर में गवर्नमेंट है। 388 है जी, भारत का पहला ऐसा बुल है जिसकी सभी पीढ़ियों के गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। आपने आज तक जितने बुल देखे होंगे हर बुल के अंदर आप देखोगे मां बाप का रिकॉर्ड मिलता है, लेकिन ये भारत का एक ऐसा बुल है जिसकी माँ बाप दादी नानी पड़नानी यानी कि पूरे इंडिया का सबसे पुराना फार्म 1809 से जो फार्म चला आ रहा है उस फार्म की पैदाइश है, उस फार्म का ब्लड है। इसकी माँ का भी अपने पास रिकॉर्ड है, इसकी नानी का भी, इसकी पड़नानी का भी, उसकी माँ का भी, मतलब अगर पिछली जितनी भी रिकॉर्ड निकालना चाहूँ आप, और हर इसकी पीढ़ी ने इसकी माँ से लेके इसकी मतलब पिता की पीढ़ी माँ की पीढ़ी हर पीढ़ी ने उच्च दूध के रिकॉर्ड कायम करे हैं 20 लीटर प्लस के, और गवर्नमेंट रिकॉर्डेड है, ये नहीं अपने घर में गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड किया है। गवर्नमेंट में ऐसा रिकॉर्ड होता है हर हफ्ते दूध तोला जाता है, तो हर हफ्ते दूध तोला है इसकी माँ ने, इसकी बहन ने, इसकी पिता ने, इसकी सारे परिवार ने, तो ये वो ब्लड लाइन का है। और इसका सीमन भी उपलब्ध है जी, नंबर है जी मेरा 93-158-21-114। और अगर बात करें ब्रीड क्वालिटी की तो आपने आज तक शायद ऐसा ब्रीड क्वालिटी का बुल नहीं देखा हो, क्योंकि लगभग जो है इसके अंदर साहिवाल में जो कहते हैं ना एक भी छोटी सी कमी, वो छोटी सी कमी भी नहीं है। गलकम्बल का देख लो आप साइज, दो किलर नीचे ये खाल का जो झालर का साइज है ये देख लो आप। टेस्टिकल इसके जब अभी सिंक कर रखे हैं, मौसम ठंडा है, नहीं एक इतने टेस्टिकल हैं। और बकायदा पूंछ का आप तेल का साइज देखोगे, धरती की भिड़ती हुई, और घुटना छोटा जी जी। खास बात ये साहिवाल का घुटना छोटा मिलेगा जी आपने। अच्छा, अच्छा। साहिवाल का ज्यादा बड़ा आकार नहीं होता, मध्यम आकार की होती है साहिवाल। हम की पोजिशन बिल्कुल सटीक 90 डिग्री के एंगल पर जी जी। और सिंगों का पैटर्न जो है ऐसा पैटर्न बिल्कुल ही यूनिक मिलता है। अगर इस तरह के पैटर्न की बात की जाए तो पाकिस्तान की जो साहिवाल है ना ये वो पैटर्न है, इस तरह का सिंगों का पैटर्न पाकिस्तान की ब्लड लाइन में है। ये उसी ब्लड लाइन से है जब भारत पाकिस्तान इकट्ठा था, हमारा भारत का अंग था जो पाकिस्तान, जब जो फार्म होता था 1809 में उस फार्म का ये अंश है, मतलब अगर निचोड़ गए। और दूसरा एक सौभाग्य की बात कहूंगा मैं, एक 11 लीटर की गाय से इसने जो है 16 लीटर की बछड़ी को पैदा किया है। अभी एक ही बेटी मिल्किंग में आई है इसकी, और भविष्य में जो बच्चे हैं HF गाय के ऊपर हमने यूज करवाया, HF गाय के ऊपर भी बिल्कुल लाल कलर का साहिवाल का बच्चा निकाल के दिखाया है, मतलब कि डोमिनेट भी है बुल जी जी। क्योंकि मेन बात कहती है जैसे जैसे हमारी भारतीय नस्ल खत्म हुई, हमारी भारतीय नस्ल आज जो है ना आपने देखा होगा पहले 20-20 लीटर की गाय गाँव में थी, लेकिन आज खत्म क्यों हुई, हम जो जर्सी HF की तरफ जब भागे ना तो हमारी नस्ल खत्म होगी, वो नस्लें हमें वापसी लानी है ना, अगर तो एक डोमिनेट बुल का यूज करना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारी नस्ल खराब हुई वैसे वैसे जो HF जर्सी है उन गायों के ऊपर अगर हम इस तरह के बुलों का यूज कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली नस्ल जो है पहली पीढ़ी में सुधार में आ जाएगी। मैं ये नहीं कहता पहली पीढ़ी में 100% आ जाएगी, जैसे हमने बिगाड़ी थी ना, लेकिन उससे जल्दी सुधार में आएगी जल्दी। हाँ, तो ये वो S388 है इस गवर्नमेंट फार्म का, और दूध का और सुंदरता का निचोड़ है ये देखिए जी जी जी। भारतीय नस्लें जो है वो उनके अंदर एक ताकत होती है अपने आपको गर्मी सहन करने की, तो वो गर्मियां भी सहन कर ले। और साथ ही साथ आप देखोगे ना कलर जो है बुल के अंदर सांड जो होगा मेल उसके अंदर अगला हिस्सा और पिछले हिस्से में ब्लैकनेस आएगी, और जैसे ही गर्मी आएगी मैं इसकी फोटो दे दूंगा आप साथ टैग कर देना, जैसे ही जो है मतलब आप देखोगे मौसम चेंजिंग होता है तो रंग का भी चेंजिंग आओगा, सर्दियों में बिल्कुल रेड कलर का हो जाएगा। अच्छा। और अब जैसे अब थोड़ा हल्का चेंजिंग आ गया जैसे धूप तेज हुई तो रंग इसने लाइट कर लिया, ये गर्मी को सहन करने की ताकत है। ये सिर्फ एक भारतीय नस्लों में पाई जाती है, अदर नस्लों में आप देखोगे जो इंडिजिनस ब्रीड से बाहर की नस्लें हैं उनमें ये चीजें नहीं है, हमारी भारतीय नस्लों में मिलेगी, जो भी टेम्परेचर जैसे हुआ अपने आपको उसके अनुकूल कर ले। और इसी कारण कहते हैं भारतीय नस्ल का दूध जो अमृत के समान है, सिर्फ यही कारण है क्योंकि इनके पास अंप है, सूर्य केतु नाड़ी होती है उसके अंदर, दूसरा इसके अंदर गलकंबल है, गर्मी को सहन करने की जो ताकत है वो यहाँ से आती है। ये टेम्परेचर गलकंबल जो है ना इसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा। अच्छा। और राजस्थान में हरियाणा में अगर बात करें हम अपनी जो 45 डिग्री का टेम्परेचर की 45-48 डिग्री टेम्परेचर की वो भी सहन करने की ताकत जो है हमारी भारतीय नस्लों में। हाँ बिल्कुल जी, तो ये वो नस्लें हैं भारतीय हमारी। और साहिवाल का तो आप अगर फेस देखोगे और अगर सारी बॉडी कैरेक्टर देखोगे तो साहिवाल एक ऐसी नस्ल है जो हर वातावरण में अपने आप को सेट कर लेती है, और दूध के मामले में अगर बात करें लंबे टाइम दूध देना और स्थिरता से दूध देना वो साहिवाल की मुख्य पहचान है। साहिवाल गाय जो है वो आज के टाइम अगर इंडिजिनस ब्रीड के अंदर लगाऊं आप तो साहिवाल गाय हर जगह अपने आपको सेटेबल कर लेती है, सेट कर लेती है जी। हर जगह अपने हर एनवायरमेंट में सेट कर लेगी, दूध देगी दूध के मामले में आज साहिवाल का बड़ा जो है मतलब मैं तो ऋणी हूँ भी साहिवाल ने जो अगर इंडिजिनस ब्रीड के अंदर दूध अगर इंडिया में उपलब्ध कराया है सबसे ज्यादा तो साहिवाल नस्ल ने कराया है। वैसे तो और नस्लें भी अच्छी हैं अपनी, लेकिन साहिवाल नस्ल का एक मुख्य योगदान है।